नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo T15G versus Oppo A54 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T15G में 6.46 इंच जबकि A54 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो T15G में 0.32 इंच जबकि A54 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि T15G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो T15G में 187 ग्राम जबकि A54 में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि T15G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो T15G में 6.58 इंचेस जबकि A54 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन T15G में 1080x2408 और A54 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो T15G में 84.09% जबकि A54 में 82.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो T15G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A54 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो T15G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A54 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो T15G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A54 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो T15G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और A54 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो T15G में Adreno 619 जबकि A54 में Powerwall GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो T15G में Qualcomm Snapdragon 695 और A54 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो T15G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि A54 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो T15G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A54 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो T15G में अप टू 1TB जबकि A54 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो T15G में Android V12 जबकि A54 में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो T15G में 2 कलर्स जबकि A54 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो T15G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,990 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,990 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A54 की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,489 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,490 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,825 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Vivo T15G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A54 की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में T15G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में T15G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Infinix 08i है, तीसरा Samsung Galaxy F41 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।